हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स, आज आम यही वीडियो रे डिस्कशन करिबा आपण मानकर अपकमिंग ओटीटी एग्जाम 2021 पाई किछि मोस्ट इंपोर्टेंट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्वेश्चन उपरे। तो फ्रेंड्स, एथि मु नेके आछि मोस्ट इंपोर्टेंट 25 सिलेक्टेड सीडीपी क्वेश्चन। तो आपण माने आउट ऑफ 25 केते मार्क रखुछन्ति कमेंट बॉक्स रे कमेंट करि जणाई परिबे। तो फ्रेंड्स, देखनेबा कोन रहैछि क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहैछि आपण माने पई, फर्स्ट क्वेश्चन रही विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फैक्टर ऑफ द सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन रो कोटा गोटे प्राथमिक कारण अटे बा सामाजिकीकरण, सोशलाइजेशन माने सामाजिकीकरण रो कोटा गोटे प्राथमिक कारण अटे। चार ऑप्शन रही फैमिली, पॉलिटिकल पार्टीज, हेरेडिटी, नन ऑफ द अबव। तो सामाजिकीकरण रो प्राथमिक कारण होची फैमिली, ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर, जहाँ को आम ओडिया ऑप्शन दे पारे परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी सहित कोटा गोटाए संपर्कित बा संश्लिष्ट। तो क्रिएटिविटी माने कौन ना सृजनशीलता। तो सृजनशीलता सहित कोटा संश्लिष्ट अटे। इमोशनल थिंकिंग जहाँ को कह जाए भावप्रवणता चिंताधारा, इगोस्टिक थिंकिंग जहाँ कहुए अहंकार भाव चिंताधारा, आ डाइवर्जेंट थिंकिंग माने विक्षिप्त चिंताधारा, नन ऑफ द अबव माने कौन सी नुहे। तो आपण माने सठिक आंसर जीव ऑप्शन नंबर सी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट थिंकिंग सहित संपर्कित। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज एडवोकेटेड बाय। तो इंटेलिजेंस रो टू फैक्टर थ्योरी किए देइथिले, गिलफोर्ड, गाल्टन, स्पीयरमैन, नन ऑफ देम। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजेट वाज ए और एन। कौन कह पियाजेट जने कौन को साइकोलॉजिस्ट माने से को देश रो बिलोंग करुछंती। एग्जाम रे एई क्वेश्चन मध्ये आसुची। तो स्विस साइकोलॉजिस्ट ना अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ना आफ्रिकन साइकोलॉजिस्ट ना नन ऑफ देम। तो पियाजेट होचंती जने स्विस साइकोलॉजिस्ट, कहीं से स्विट्जरलैंड रु बिलोंग करुछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी वाज एडवोकेटेड बाय। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को किए देइथिले, वोल्फ गैंग कोहलर, बी एफ स्किनर, जीन पियाजेट, नन ऑफ देम। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को देइथिले जीन पियाजेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस वाज डेवलप्ड बाय। तो इंटेलिजेंस रो थ्री डायमेंशनल मॉडल को किए विकसित करथिले, केटल, थर्स्टन, गिलफोर्ड, नन ऑफ देम। तो यहाँ किए इंटेलिजेंस रो थ्री डायमेंशनल मॉडल को डेवलप करथिले, गिलफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग हैज गिवन। कोलबर्ग कोटा देथिले, को डेवलपमेंट को देथिले, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट। तो आमर कोलबर्ग देथिले कौन द स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास उपरे से तांकर प्रोपाउंड करथिले। तो करेक्ट आंसर होची लॉरेंस कोलबर्ग हैज गिवन द स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय। तो देखंतु इन शिक्षण इनसाइड थ्योरी बा आमर शिक्षण अंतर्दृष्टि तत्व को किए प्रमोट करथिले, गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट, जीन पियाजेट, पावलोव, वाइगोट्स्की। तो करेक्ट आंसर होची गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टेस्ट। तो देखंतु से कहते ना उत्तम परीक्षण कोटा गोटे लक्षण नुहे, उत्तम परीक्षण कोटा गोटे लक्षण नुहे, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, सब्जेक्टिविटी, यूजबिलिटी। तो देखंतु ये आप गुड टेस्ट बदल रे स्टैंडर्ड टेस्ट दे पारे किंबा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट मध्य दे पारे। एभले आपण माने ऑप्शन ओएसटीटी एग्जाम आसतिला विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, एभले क्वेश्चन आसीतिला। तो देखंतु एटा आपण माने करेक्ट आंसर हे जीव सब्जेक्टिविटी।
देखो गोटे गुड टेस्ट बा स्टैंडर्ड टेस्ट रो कैरेक्टर कौन रोचे बा लक्षण गुड़ाक हूँ रिलायबिलिटी माने विश्वसनीयता, वैलिडिटी माने बाध्यता तार बाध्यता रोचे आउ यूजेबिलिटी माने उपयोगिता रोचे किंतु सब्जेक्टिविटी माने व्यक्तिनिष्ठता रहेनी गोटे गुड टेस्ट रे केबे भी व्यक्तिनिष्ठता रहे ना तो ऑप्शन सी होचे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होचे करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज गिवन बाय जीन पियाजेट तो आमर जीन पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसेस आमर देथिले कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी देथिले जीन पियाजेट तो सेथिरे कोटा कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो प्रोसेस नुह से पचारछि असिमिलेशन एकोमेंडेशन अडॉप्शन शेपिंग तो जीन पियाजेट जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी देथिले सेथिरे असिमिलेशन रहिछि एकोमोडेशन रही आडप्शन रही सेपिंग बोली किसी ना तो ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन वेर डिड पावलोव एक्सपेरिमेंट हिज कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी तो पावलोव केउठारे तांकर कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी को एक्सपेरिमेंट करथिले परीक्षण करथिले तो देखो जोहान्सबर्ग रही लेलेनगार्ड रही केपटाउन रही मेक्सिको रही तो से तांकर लेलेनगार्ड रे से परीक्षण करते कहीं एग्जाम में भी आसपा पावलोव बिलंग्स टू विच कंट्री तो से रशियार बिलंग कर रशियार बिलंग कर जे रशियन साइकोलोजिस्ट से जे रशियन साइकोलोजिस्ट एग्जाम में भी आसपा पावलोव विच साइकोलोजिस्ट तो रशियन साइकोलोजिस्ट आउ से लेलेनगार्ड रे परीक्षण करते कहीं लेलेनगार्ड सहरटा आम रशिया भितर आस नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मोड तो देखो एक मुझे इंपोर्टेंट पॉइंट कह रखी आप मीन मेडियन मोड उपरे निहत भाव पेपर टू रे आपण मैं क्वेश्चन आसब कहीं प्रति वर्ष आप मीन मेडियन एंड मोड उपरे क्वेश्चन आसी तो आपण मानक मोस्ट इंपोर्टेंट रहा मीन मेडियन मोड उपरे जदि आप डिटेल्स जानवा चाहूँ तो मीन मेडियन मोड उपरे मुझे गोटे कंप्लीट वीडियो बनई आपने प्लेलिस्ट को जातु से पारे से वीडियो से देखे आपने समस्त डाउट क्लीयर हो तो देखो ये आप मोड मोड्र फर्मूला कौन से पचार तो मोड्र फर्मूला हूँ थ्री मेडियन माइनस टू मीन तो आपण मैंने एग्जाम आसब से कौन दे आपको मेडियन रेडियन दे थो तीस चालीस जहाँ भी गोटे तार सम दे थो मीन रम दे थो आपण मैं मोड पचार तो आप फर्मूला पकई कि बाहर करेंगे थ्री मेडियन माइनस टू मीन ताहले आप मोड आसीजीबो तो आप मन रखु यहाँ मोड्र सूत्र हूँ थ्री मेडियन माइनस टू मीन तो ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इन लर्नर सेंटर्ड करिकुलम तो शिक्षार्थी केंद्रिक पाठ्यक्रम कोटा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट माने मुख्य भूमिका रोचे माने क्या बेसी गुरुत्व दि जाऊर जो शिक्षार्थी केंद्रिक पाठ्यक्रम क्या अधिक गुरुत्व दि जाए टीचर ना चाइल्ड ना कंटेंट ना एनवायरनमेंट आमर शिक्षक ये शिशु ये आप विषय वस्तु ये परिवेश तो देखते ये लर्नर सेंटेंस करिकुलम माने शिक्षार्थी केंद्रिक पाठ्यक्रम सब वाले शिक्षार्थी को इम्पोर्टेंस दि जाए तो ये आप शिक्षार्थी देपे कि चाइल्ड ये आप चाइल्ड देखिए चाइल्ड देपे केपशन स्टूडेंट देपे केपशन लर्नर देपे लर्नर मान शिक्षार्थी स्टूडेंट मान शिक्षार्थी चाइल्ड मैंने सी भी शिक्षार्थी जाऊँगी तो ये आपर फोकस करा अधिक इम्पोर्टेंस दिजिव चाइल्ड को कहीं ना ये लर्नर सेंटर बदले आप चाइल्ड सेंटर एग्जाम तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन इन जॉन ड्यूस स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच ऑफ लर्निंग द रोल ऑफ टीचर इज ऑफ ए डेस कौन कह जॉन ड्यू आप जानते जॉन ड्यू को स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच ऑफ लर्निंग रही तो से गोटे टीचर रो रोल कौन है दरकार गोटे शिक्षक भूमिका कौन है दरकार फैसिलिटेटर डेलीगेटर इंस्ट्रक्टर फॉर्मल अथॉरिटी तो जॉन ड्यू आमर स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच ऑफ लर्निंग देते से गोटे शिक्षक भूमिका कौन है दरकार ना फैसिलिटेटर है दरकार फैसिलिटेटर ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक आंसर
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच नोन एज फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म रो जनक किए, जेबी वाटसन, ईयर गुथरी, डोनाल्ड हेफ, कुर्ट लेविन। तो बिहेवियरिज्म रो जनक होचंती जेबी वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटेलिजेंस क्वेश्चन इज, कच आईक्यू रो फॉर्मूला कौन हबो, आईक्यू कैलकुलेट करिया पई तार फॉर्मूला कौन हबो से पचार छी, आईक्यू रो फॉर्मूला पचार छी। एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट ए फॉर्मूला आपन माने आसु छी, तो रही छी एम ए बाय सी ए इनटू 100, सी ए बाय कोई पेबा किबा अपन सी ए अपन एम ए इनटू 100, एम ए अपन 100 इनटू सी ए नन ऑफ दिस। तो एटा आपन माने करेक्ट आंसर होछ ऑप्शन नंबर ए, कहीं आपण मानक आईक्यू बाहर कर आईक्यू रो फॉर्मूला होची एम ए अपन सी ए इंटू 100, माने कौन, तो देख कौन हो ना ये क्वेश्चन आप आसूँ आपण मैं एम ए दे मैंने मेंटल एज दे आपको जहाँ भी क्रोनोलॉजिकल एज दे आईक्यू पचार तो आपने मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 कले आपर आईक्यू बाहरी जीव। तो करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हिच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द चाइल्ड बिकम्स इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव। तो देखु गोटे शिशु कौ स्टेज रे तार कौ गोटे शिशुर विकास रो कौ स्टेज रे से कल्पना प्रिय होइथाय, कल्पना प्रिय होइथाय, इन्फेंसी, शैशव, प्री चाइल्डहुड, आद्य बाल्यावस्था, एडोलेसेंस, कैशरावस्था, लेट चाइल्डहुड, परवर्ती बाल्यावस्था। तो कौ स्टेज रे, तो करेक्ट आंसर होची प्री चाइल्डहुड, प्री चाइल्डहुड हो जीवो, प्री चाइल्डहुड किंबा प्री ऑपरेशनल स्टेज मध्ये दे पारे, तो से आपण मानकर एग्जाम रे जहाँ भी ऑप्शन थी सेटा हबो। तो देखंतु आपण मानको एग्जाम रे जदि मॉडिफाई करके क्वेश्चन पचारिबार थाए ताले प्री चाइल्डहुड बदल रे से प्री ऑपरेशनल स्टेज मध्ये दे पारे, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो प्री चाइल्डहुड स्टेज रो जहाँ भी एज लिमिट रही प्री ऑपरेशनल स्टेज रो एज लिमिट मध्ये प्राय मैक्सिमम माने प्राय समान रही, तो आपण मानको एग्जाम रे प्री ऑपरेशनल स्टेज मध्ये देई पारे। तो एटी आपण ऑप्शन हबो प्री चाइल्डहुड स्टेज, माने आद्य बाल्यावस्था रे जणे शिशुर विकासटा इमेजिनेटिव करि पारिबो, माने से ओडे कल्पना प्रिय हेई पारिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच लर्निंग थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ द ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। तो स्थानांतरण प्रशिक्षण बा अंतरण प्रशिक्षण सहित कौ लर्निंग थ्योरीटा संपर्कित से पचार, ट्रायल एंड एरर, प्रयत्न प्रमाद, कंडीशनिंग, अनुबंध, इनसाइटफुल लर्निंग, अंतर्दृष्टि, आउ नन ऑफ द अबव। तो ये आप करेक्ट आंसर जीवो ऑप्शन नंबर सी, इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी, इनसाइटफुल लर्निंग को कहा जाए ट्रांसफर लर्निंग बा ट्रांसफर लर्निंग सहित ट्रांसफर ट्रेनिंग सहित इनसाइटफुल लर्निंग रो संपर्क रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज देयर इन करिकुलम। तो कौन कहे ना केउंटी पाठ्यक्रम रे थाए, केउंटी पाठ्यक्रम रे थाए एम्स, इवालुएसन, कंटेंट, ऑल ऑफ दिस। तो पाठ्यक्रम रे आमर एम्स माने लक्ष्य रोची पाठ्यक्रम रो, इवालुएसन मूल्यांकन करा जाउची एवं विषय वस्तु रहे, तो ये तीन टा जक रोची, तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस बा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनबॉर्न क्वालिटी ऑफ ए चाइल्ड। तो कौन कहे ना निम्नलिखित मधुर कौटा शिशुर गोटे जन्मगत गुण अटे, ज्वेलसी, लव, फियर, जय। तो जन्मगत गुण कौटा से पचारी, ज्वेलसी माने आमर ईर्ष्या करिबा, लव माने स्नेह, फियर माने भय, जय माने आनंद। तो कौटा तार जन्मगत गुण माने गोटे शिशुटा जन्मरु आनी थाए माने साथरे आसी थाए, तो जन्मगत गुण होचे तार ना फियर, भय, ऑप्शन नंबर सी होचे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, तो रही व्हिच वन इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो केउंटी पाठ्यक्रम प्रस्तुति रो गोटे विधि नुहे से पचारी, ऑब्जेक्टिव बेस्ड, सोसाइटी बेस्ड, टीचर बेस्ड, साइकोलॉजी बेस्ड।
तो करिकुलम कंस्ट्रक्शन पाठ्यक्रम प्रस्तुति पाई ऑब्जेक्टिव बेस्ड उद्देश्य भित्तिक होगा दरकार, समाज भित्तिक होगा दरकार, आ मनस्तत्व भित्तिक होगा दरकार, किंतु शिक्षक भित्तिक होगा दरकार नुहे। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेसेसरी फॉर लर्नर टू अटेंड मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। शिक्षार्थी सर्वनिम्न शिक्षण स्तर हासिल करने कौन आवश्यक अटे। टेक्स्ट बुक, प्रॉपर ऑडियो विजुअल एड्स, प्रॉपर डायरेक्शन बाय टीचर, ऑल ऑफ दिस। तो शिक्षार्थी सर्वनिम्न शिक्षण स्तर हासिल करने पाठ्यपुस्तक दरकार पड़ी, उपयुक्त दृश्य श्राव्य उपकरण दरकार पड़ो, शिक्षक उपयुक्त निर्देशना दरकार पड़ो, माने ये तीन टा जाक दरकार पड़ी। तो आपको करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनालिटी शब्दटी लैटिन रो क्यों शब्दरु आसी अछि। फ्रॉम व्हिच लैटिन वर्ड द टर्म पर्सनालिटी हैज बीन डेरिवाइड। तो पर्सन अच्छी, पर्सनल अच्छी, पर्सना अच्छी, पर्सनल अच्छी। तो आपने करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी, पर्सना, पर्सना वर्ड रु पर्सनालिटी आसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू कैरी ऑन अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हुज ओपिनियन इज इट। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू कैरी ऑन अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एटा कहार मत, टर्मैन, बिनेट, थर्नडाइक, गाल्टन। तो देखो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर एट, ये किए देते ये टर्मैन देते, ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज लास्ट क्वेश्चन, ये 25 नंबर क्वेश्चन। तो कौन कह व्हिच स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट इज करेक्ट। विकास संबंधी कौ उक्ति ठीक से पचार, विकास चार्टा स्टेटमेंट देखिए कौटा ठीक से पचार। तो फास्ट रही आपर पुओ मान क्षेत्र में 20-22 वर्ष पर्यंत विकास हो, विकास घटूनी। नेक्स्ट रही परिपक्वने विकास अंत घटे। सी रही 40 वर्ष पर विकास ह्रास घटी थाए। ऑप्शन डी अच्छी मृत्यु पर्यंत विकास घटी थाए। तो देखो विकास बा डेवलपमेंट आम कौ भाया ना सीटा आम मृत्यु पर्यंत रहे, सीटा डेवलपमेंट के अंत घटे ना। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी, डेवलपमेंट कंटिन्यूस टिल डेथ, जन्मरु मृत्यु पर्यंत आम विकासटा घटी थाए, डेवलपमेंटा मृत्यु पर्यंत आम विकास घटी थाए। तो ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये आप 25 क्वेश्चन सीडीपी जहाँ कि एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। तो आप आउट ऑफ 25 केत मार्क रखुच्च कमेंट बॉक्स में निहत भाव जनइबे। जदि भिडियो भल लगता है तेल निहत गोटे गोटे लाइक करेंगे, अधिक रु अधिक मात्रा कृपया आपंगसाथी मानक सेयार करेंगे, जहाद्वारा से किसी उपकृत हो पारे। तो फ्रेंड्स जदि आपको भिडियोटे भल लगता है तेल आपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सहित यह आउ किसी लाटेस्ट भिडियो अपडेट पायापी बेल आइकन को क्लिक करूँ, जहाँ आप नोटिफिकेशन पाए सर्वप्रथमें। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय जगन्नाथ।